सभी का वेलमल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु क्लब्स 2024 फिनिश करते हैं, तो आपको अपने प्रतिद्वंदी खेमे की थैंक यू आयुष। अब इन केस आगे का रास्ता हमारा साथ जरूर दीजिएगा, आपको है जिसको आप मानते हैं उसका वास्ता। विसल बज चुकी है, मुकाबले की पहली रेड आ चुकी है और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, सभी वाकिफ है, तामी एकेडमी ने क्योंकि टॉस जीता लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया, आमंत्रित किया अपने प्रतिद्वंदी को कि वो पहली रेड लगाने के लिए आए। मणिकंदन पिछले मुकाबले के स्टार रह चुके हैं एएमकेसी गोबी के लिए, बस दिक्कत ये थी कि इन्हें किसी और खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं मिला। मुकाबले की पहली रेड पे वॉकलाइन ऑलरेडी पार कर दी क्योंकि सात का घर है, बोनस निकालने का मौका इनके पास है। एंकल पकड़ी गई है, कमाल का इनिशिएशन सैमी एकेडमी के द्वारा, कृष्णन को मिली है शुरुआत, एक तरीके से सोलो टैकल ही कर लिया था, मणिकंदन के पास कोई और विकल्प नहीं था और कवर्स के उस कमाल धमाल के डिफेंस के चलते ये जीत उनके नाम आई। ये पहला डिफेंसिव पॉइंट थी तो आसान सा बोनस निकाला गया है, लेकिन तारीफ ये भी करनी पड़ेगी मोनू कि रेडर ने उसी कॉर्नर की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर पे जहां कुछ समय पहले ही कृष्णन ने शिकार बनाया था उनके सामने दिलेरी दिखाते हुए वो बोनस दिया है। चलिए फिलहाल यहाँ पर नजर डालेंगे क्या कुछ बड़ा हो सकता है या फिर सुपर टैकल, माफी चाहेंगे टैकल कर लिए गए। ऑफिशियल टाइम आउट, जेसी नंबर 9, चर्चाएं जरूर की जाएगी, दोबारा देखना है कि एक्शन में हुआ क्या है। कोई खिलाड़ी यदि मिडलाइन को पार कर गया है तो फिर रेडर को सेफ करार दिया जाएगा, अगर डिफेंडर में से किसी भी खिलाड़ी का हाथ रेडिंग वो जो मिडलाइन है उसको पार नहीं किया तो रेडर को आउट दिया जाएगा। तीसरा सूरत बहुत खतरनाक है, वो ये है कि यदि रेडर ने मिडलाइन को क्रॉस कर लिया तो ये मल्टी पॉइंटर रेड है, ये सुपर डुपर उससे भी ऊपर की रेड है। अब देखना ये कि कौन खिलाड़ी पार हुआ, रेडर आउट दिया गया है, कोई भी डिफेंडर मिडलाइन को पार करके गया नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिफेंस को शुरुआत मिल चुकी है एएमकेसी गोबी के लिए भी। का होल्ड कर लेते हैं तो फिर पॉइंट निकालना उतना आसान नहीं, साथ में कॉर्नर वाले जो प्लेयर थे उन्होंने समय के साथ सपोर्ट दिया है। फिलहाल यहां पर पांच का हाउस बोनस ऑन है नहीं, जैसा कि सभी दर्शकों को पता है बोनस ऑन तब होता है जब छह या सात प्लेयर कोर्ट पर मौजूद होते हैं। फिलहाल यहां पर डिफेंस की गलती, चलते सेफ को छेड़ने की कोशिश, और जब आप इस प्रकार की गलती करते हैं आधे अधूरे मन के साथ टैकल करने के लिए जाते हैं तो फिर आप अपने आप को कोर्ट से बाहर ही पाएंगे। एक और पॉइंट आता हुआ, आयुष क्या कहना चाहेंगे इस टैकल पॉइंट के ऊपर, माफी चाहेंगे इस टैकल के ऊपर, पॉइंट तो नहीं मिला इन्हें। हाथ जो बड़े लंबे हैं उसको देख के डिफेंडर बाहर हो गए और इसलिए साइडलाइन उनको पार करनी पड़ी थी। पीछे जाते ही एंड लाइन क्रॉस और यहां पे डिफेंस का तहलका, एक बार फिर ये इनिशिएशन दिखाने में कामयाबी हासिल की है सामी एकेडमी की तरफ से। चेन टैकल करने की कोशिश की नहीं गई थी, चेन को सही समय पे तोड़ा था, अब सुपर टैकल की सिचुएशन आ चुकी है, दो का डिफेंस है और इस दो के घर में ऑल आउट भी दिया जा सकता है। मुत्तवेल पिछले मुकाबले में सुपर टेन अपना कंप्लीट किया, यहाँ टर्न एंड ट्विस्ट दिखाते हुए एक पॉइंट अपने नाम किया और अब एएमकेसी गोबी तलवार उनके सर पे लटक रही है, थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर और टीम को ऑल आउट का सामना करना पड़ना था, ऑल आउट का सामना। थोड़ी सी गलती, सामी अकेडमी 12 पॉइंट्स पर पहुंच गई है, सिर्फ 4 पॉइंट किसी गोबी के लिए नजर आ रहे हैं। मणिकंदन इस वक्त रेड कर रहे हैं, फिर से यहां पर देखिए टच करने का प्रयास किया जर्सी नंबर 9 के ऊपर और पॉइंट भी निकाल लिया है। एएमकेसी जर्सी नंबर 9 आउट, ईएम किसी गोबी के लिए थोड़ी सी अच्छी शुरुआत नहीं अभी तक, लेकिन अच्छा करना पड़ेगा, अभी समय है, समय रहते वापसी कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। केसवन रेड लगाने के लिए आए और कमाल की बात यह है कि इन्होंने बहुत जगह पर रिप्रेजेंट किया है अपने टीम्स को, चाहे वो जूनियर स्टेट हो चाहे सीनियर स्टेट्स हो। YKS में नीलगिरी नाइट्स के लिए भी खेलते हुए नजर आए थे, एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है जूनियर स्टेट्स में, लेकिन यहाँ पे वो मेडल जो है वो AMKSC के डिफेंडर्स को जाएगा। कॉम्बिनेशन टैकल दिखाते हुए हम जहाँ तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे केसवन के लिए, तब जो रेडर्स है वो काम नहीं करेंगे उस प्रकार से। फिलहाल यहाँ पर डू और डाई, करो या मस्त, लेकर आना है या फिर पॉइंट देकर जाना है। डिफेंस को गलती नहीं करनी चाहिए थी लेकिन ये बहुत गलती की और शायद टच पॉइंट, नहीं 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 बिल्कुल विलंब सुपर रेड लग चुकी है, यहाँ डिफेंस ने गलती की है आयुष, इसकी आवश्यकता नहीं थी, समय देना था, समझना था किस प्रकार से रेडर कार्य करने की कोशिश कर रहा है। जी ललचाया जैसे ही देखा के बैक दिखाई है रेडर ने और वहां शायद जरूर निकाला, लेकिन रिवाइवल के लिए आप पॉइंट, यहाँ ऑल आउट का खतरा सैमी एकेडमी पे मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद में ये कमाल की टैकल इनिशिएट कर दी मुत्तवेल, ये रेडर है डिफेंडर है क्या ऑलराउंड पता करके आइए जरा। लीजिए आ गई है गुडीज गुडी सुपर टैकल यहाँ पर लगा दिया है, पहले हमने देखा
विलंबल सुपर रेड, उसके बाद उटीस गुडी सुपर टैकल यहाँ किया है। देखिए एकदम से कैसे हालात और जज्बात बदल गए, जो टीम लीड लेकर चल रही थी अब वो ऑल आउट लेकर यहाँ बैठी है। वापसी बिल्कुल यहाँ पर वापसी का डंका बचा दिया है एएमकेसी गुबी की टीम ने। देर आए बस आने का जो मौका मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एएमकेसी गोबी के कमजोर खेल के प्रदर्शन की वजह से है। एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ किया गया लेकिन मणिकंदन सोलो वॉरियर अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट ला रहे हैं। दिक्कत की बात यह कि किसी और खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं मिल रहा और जब आप ज्यादा रेड लगाने के लिए जाएंगे तो यकीन मानिए पॉइंट आप चाहे जितने भी कमाए लेकिन सेकेंड हाफ में एनर्जी सैप जरूर होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी वहां पर डाउन नजर आती नजर आएगी क्योंकि आप पहले हाफ में ही इतने ज्यादा खतरा भी सर पर हो सकता था लेकिन फिलहाल यहां से परेड डाली गई है टीएमसी गोबी की तरफ से और इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति। जी अच्छा पॉइंट नहीं के पास 17 पॉइंट अभी तक निकाले हैं और टीएमसी गोबी के पास है 12 पॉइंट्स। यहाँ से 20 मिनट का खेल बाकी है, 20 मिनट में आप ये 5 पॉइंट 7 पॉइंट की लीड को बिल्कुल कवर कर सकते हैं, 2-3 रेड में कवर कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी विलंबल सुपर रेड और डिफेंडरों का साथ मिलना चाहिए। केशवान विलंबल युवा कबड्डी सीरीज हम देख रहे हैं, केशवान राजा रेड लगाने के लिए गए और उनकी रेड को धाराशाही कर दिया जाएगा कवर्स के खिलाड़ियों के द्वारा। फिर कॉम्बिनेशन टैकल आपको नजर आएगा, वो लेयर ऑफ डिफेंस होते हैं लेकिन संतोष सैमी अकेडमी 18 मिनट का बीबी खेल बचा हुआ है। टीएमकेसी गुब्बी की तरफ से अरुण कुमार रेड करने के लिए गए जर्सी नंबर 17 यहां पर। चलिए चलिए वहां पर टैकल कर लिया गया है, वो पूरा संपूर्ण सवर पर जरूर किया था लेकिन जिस प्रकार से एंकल होल्ड किया है, स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड किया है, कोई मौका नहीं था वहां पर रेडर के पास पॉइंट निकालने का और एक आसान सा पॉइंट वहां गिफ्ट कर आए हैं। दोबारा देखते हैं सीधा सीधा सामना इनका लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन से हुआ एंकल होल्ड था। तरफ से केशवान राजा रेड करने के लिए गए, दो डाई की परिस्थिति का सीधा यह है कि किसी रेड किसी भी टीम की खाली जा नहीं सकती। लेफ्ट कॉर्नर से एंकल होल्ड का इनिशिएशन आया था क्योंकि कमजोर ब्लॉक था। डू और डाई की परिस्थिति में जब दबाव रेडर के ऊपर होता है तो डिफेंस से ऐसी गलतियां आम तौर पे हमें देखने को मिलती नहीं है, ना जाने क्यों, मगर एएमकेसी की लगातार ये डिफेंस पे गलतियां। हरिवर्धन ना पिछले किसी गोबी के पास ग्रिप बनाने का, लेकिन वो ग्रिप थोड़ी सी लूज नहीं होनी चाहिए वरना आप मैच में और ज्यादा पीछे चले जाएंगे क्योंकि यहाँ से सिर्फ तकरीबन 10 या 11 मिनट का मैच बचा हुआ है। बाकी के बचे मिनट्स को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पॉइंट्स निकालिए और कोशिश कीजिए कि एक बार ऑल आउट हो जाए सामी अकेडमी। अगर वो ऐसा हो जाती है तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ बड़ा किया है। 2 पॉइंट एएमकेसी गोबी के लिए 2 टच पॉइंट आ गए हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन दिखाया है सामी के आज के इस मुकाबले के डिफेंस यूनिट ने, कुल मिलाके यदि आंकड़ों को खंगाला जाए तो 27 में से डिफेंडर्स का जो योगदान है वो 7 पॉइंट का है जो कि ठीक ठाक है। क्या बड़ा मौका है, जबरदस्त इनिशिएशन मनोज का बैक होल्ड, लेकिन उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी उनके साथी खिलाड़ी की जो कि कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर मौजूद थे जर्सी नंबर 3 में हरिवर्धन। दिन आज अच्छा नहीं गया लेकिन उसके बाद समय रहते एंकल को पकड़ लिया, यहाँ हरिवर्धन थोड़े से फिसले थे फिर एंकल को पकड़ के रेडर को पीछे की तरफ खींच लिया। निकाल रहे चलिए वहां से 2 पॉइंट निकाल रहे, तो यहाँ पर जैसे को तैसा अभी तक हमें देखने को मिला है और हम लगातार देख रहे हैं एएमकेसी गोबी के लिए 4 डिफेंडर लगातार कोर्ट पर मौजूद हैं, रिवाइवल दिला रहे हैं, उसके बाद फिर से वो टच पॉइंट खा जाते हैं। यहाँ देखिए अब 3 प्लेयर ही बचेंगे, चतुराई के साथ वहाँ एक और पॉइंट निकाल लिया है साबी अकेडमी ने। जाते हैं वो भी आप डैश आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो शोल्डर है वो रेडर के बॉडी के मिड पार्ट पे टच होना चाहिए और काफी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी के साथ टच होना चाहिए, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात का सबब है, तो इजी रहता नहीं है। अरुण कुमार पिछले बार 5 रेड में से 1 अनसक्सेसफुल थी, 3 रेड पॉइंट लेकर आई, ये दूसरी अनसक्सेसफुल रेड है। कवर कॉर्नर कोऑर्डिनेशन, कवर्स ने सबसे पहले फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश की थी, कॉर्नर के खिलाड़ी ने एंकल को पकड़ के यानी कि कृष्णन ने एंकल को पकड़ के वाही मचा रही है, हवाई मचाती हुई नजर अभी तक आई है। लीजिए सिर्फ 2 योद्धा मैट पर मौजूद हैं, क्या यहाँ पर होगा 30 गुड़ी सुपर टैकल या फिर ऑल आउट का खतरा रहेगा एएमकेसी गोबी के लिए। तीसरी बार ऑल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मुकुल पांड्या लेकिन सेफ खेलना भी उन्होंने थोड़ा सा सेफ नहीं समझा है, 1 पॉइंट लेकर आए। आयुष अब बात करें जब 2 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद होते हैं तो उस समय रेडर कॉन्फिडेंस कहिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहिए,
वहाँ पर वो क्योंकि टीम के प्रमुख रेडर है वो मौजूद, तो क्या वो अपनी टीम के लिए रिवाइवल ला सकते हैं, क्या इस ऑल आउट को कुछ समय और अपने खेल सकते हैं। आज का मुकाबला कुल मिला के 9 पॉइंट देके गया है मणिकंदन को, इसमें रेड लगाते हुए इस खिलाड़ी ने 8 अंकों का योगदान दिया, 3 बोनस। बोनस यहाँ से आपको पॉइंट देगा, लेकिन रिवाइवल के लिए यही चाहिए था। कवर से हुई गलती और शायद विशाल वहां पे मौजूद थे, विश्वा बैग योर पार्डन, विश्व कुमार भी बाहर, एक बोनस भी और उनके साथ एक और खिलाड़ी भी, का सीधा सा मतलब वेलमल सुपर रेड। यानी कि करो या मरो की परिस्थिति में तो आ ही चुकी है, 4 अंकों का फासला पॉइंट टेबल में। यदि खेल ऐसे ही खेला गया मोनू तो यकीन मानिए कि एएमकेसी गोभी 1 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी, लेकिन यह मनोज बार है। काफी समय से एएमकेसी गोभी के ऊपर ऑल आउट का खतरा था, अभी तक एक ही चीज कही है कि जब आप रेड डालने के लिए जाएं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप बोनस इंश्योर करें, उसके बाद यदि कोई टच पॉइंट ला सकते हैं तो टच पॉइंट लाए, क्योंकि उस टच पॉइंट से आपको रिवाइवल होगा और दो खिलाड़ी जब मौजूद होंगे तो आप ऊटी गुड़ी सुपर टैकल कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ पॉइंट एक की बनिस्पत 2 आपको मिलते हैं। क्या पता ये मुकाबला 5 अंकों का मुकाबला एक बड़े फेर बदल के चलते अरुल के उनकी टीम के पक्ष में आए, बोनस निकाला या नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज पता है कि सेमी अकेडमी ने ऑल आउट इंफ्लिक्ट किया, नजर नहीं आ रहा है। 11 जो भी संभावना है उन पे खेलिए, सेफली इस रेड को समाप्त करके एम्प्टी हैंडेड भी आते तो काम चलता, लेकिन यहाँ ये पॉइंट निकालने वाली रेड एएमकेसी गोभी के लिए एक चीज इंश्योर करेगी, वो ये है कि पॉइंट्स टेबल में इनको एक पॉइंट जरूर मिलेगा, 7 या उससे कम अंकों का फासला, जो कि यहाँ इस मुकाबले में 6 अंकों का रह गया, कम से कम इस संस्करण में खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है एएमकेसी गोभी ने। ये आखिरी रेड, ये निर्णायक रेड, ये पॉइंट लाने वाली रेड, मनोज की बदौलत अपना पहला पॉइंट पॉइंट्स टेबल में एएम मिले, कभी इधर तो कभी उधर, और यदि आकलन किया जाए